गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको इंग्लिश में एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारी रीडिंग बुक है और पेज नंबर हमारा 45। स्टोरी का नाम है द क्रो एंड वाटर पॉट। इस स्टोरी का एक और नाम है थर्स्टी क्रो, मतलब प्यासा कौवा, और एक ये टाइटल है द क्रो एंड वाटर पॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको आप एक इसकी स्टोरी सिंपल सी हिंदी में बता देती हूँ आपको कि एक क्रो होता है, उसको बहुत प्यास लगी होती है और वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमता है और उसको पानी दिखता नहीं, लेकिन बहुत देर बाद उसको एक पॉट नज़र आता है और वो पॉट के पास जाता है तो देखता है उसमें पानी बहुत थोड़ा सा था और उसकी बीक, बीक मीन्स चोंच, जो उसकी बीक होती है वो पानी के अंदर जा नहीं पाती। क्यों आप बता सकते हैं? क्योंकि पॉट में पानी बहुत थोड़ा सा था, तो वो सोचने लगता है कि पानी कैसे ऊपर आए। और उसने ऐसे दिमाग में कुछ सोचा और उसने देखा कि कुछ पत्थर, उसको बोलते हैं पेबल्स, वो नीचे पड़े हैं पत्थर। उसने पिक किया और एक एक करके उस पत्थर को पॉट के अंदर डाल दिया। उससे क्या हुआ जानते हैं चिल्ड्रन? जैसे ही उसने पत्थर डाले और पानी जो है ऊपर आ गया, और जब पानी ऊपर आ गया तो क्रो ने पानी पिया और हैप्पी होकर आकाश में उड़ गया। ये इसका सिंपल सा हिंदी में मैंने आपको बताया है। अब आइए थोड़ा सा इंग्लिश में बता देते हैं। एक बार और बताती हूँ, पेज नंबर 45 रीडिंग बुक है, स्टोरी का नाम है क्रो एंड वाटर पॉट। देयर वाज अ क्रो, ऑन ए हॉट समर ही वॉज वेरी थर्स्टी। ही वॉज लुकिंग फॉर वाटर एवरीवेयर, बट ऑल इन वेन, द कुड नॉट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। इट मीन्स एक क्रो था, बहुत गर्म था मौसम और उसको बहुत प्यास लगी थी। ही वॉज लुकिंग फॉर वाटर एवरीवेयर, वो चारों तरफ पानी के लिए देख रहा था, बट ऑल इन वेन, द कुड नॉट फाइंड ए सिंगल ड्रॉप वाटर, बट उसको एक बूंद पानी नहीं मिला। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, उसने कुछ टाइम देखा इधर उधर, ही फाउंड अ पॉट विद अ लिटिल वाटर, उसने एक छोटा सा पॉट देखा, उसमें पानी बहुत कम था। अनफॉर्चुनेटली द पॉट वॉज हग द वाटर वॉज डीप डाउन, उसमें पानी बहुत कम था। देयर वॉज नो वे द क्रो कुड रीच द वाटर, वो पानी तक नहीं पहुँच सका। हिज थ्रॉट वॉज ड्राई, उसका गला बहुत सूखा था। ही हैड ए फाइंड अ वे टू गेट द वाटर, वो पानी तक नहीं पहुँच सका। अनफॉर्चुनेट क्रो लेफ्ट, क्रो फेल्ट एज ही वॉज गोइंग टू डाई, अचानक क्रो गिर पड़ा और वो मरने की दशा में हो गया, मतलब ऐसा लगने लगा कि वो कौवा अब मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? प्यास के कारण। देयर मस्ट बी सम वे दैट आई रीच द वाटर, उसने ही थॉट, उसने सोचा आई हैव टू फाइंड आउट, मैं पाकर रहूँगा पानी को। एज ही डिस्पैचली लुकिंग अराउंड, उसने फिर से दोबारा चारों तरफ देखा। ही सॉ पीपल्स ऑन अ ग्राउंड, उसने कुछ पत्थर ग्राउंड में देखे। एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके तुरंत अचानक एक दिमाग में आइडिया आया। ही स्टार्टेड पिकिंग अप द पीपल्स वन बाय वन, उसने पिक किया, किसको पिक किया? पीपल्स मीन्स पत्थर को पिक किया और वन बाय वन उसमें पॉट में डाल दिया। देन ही ड्रॉप इन टू द पॉट, उसमें डालने लगा एक एक करके पत्थर। विद ईच पीपल्स दैट ड्रॉप द वाटर वॉज ए लिटिल हिगर, वैसे उसने पत्थर एक एक डाला, वो पानी ऊपर आ गया। आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट वाटर, कुछ समय के बाद वो पानी ऊपर आ गया और उसको पानी मिला। रेस इनफ फॉर हिम पुट हिज बीक, उसकी जो बीक थी चोंच, वो पानी के अंदर चली गई। ही ड्रैंक द वाटर, उसने पानी पिया टू हिज हार्ट कंटेंट। हिज थर्स्टी क्वेंच्ड, ही फ्लू अवे सेटिस्फाइड, उसने पानी पिया और वो हैप्पी होकर आकाश में उड़ गया। इससे मॉरल क्या है, हमारे इस स्टोरी से क्या हमें शिक्षा मिलती है? इफ़ यू ट्राई हार्ड इनफ यू मे सून फाइंड एन आंसर टू यू योर प्रॉब्लम, यदि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे यू मे सून, तुम जल्दी से पाओगे आंसर टू योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम का आंसर। कहने का मीन्स ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसमें मेहनत करोगे तो आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको स्टोरी बताई है द क्रो एंड वाटर पॉट, इसमें थर्स्टी क्रो, थर्स्टी क्रो मीन्स प्यासा कौवा। तो ये स्टोरी आपकी है, पेज नंबर हमारा है 45।
reading book here. इसको आप लर्न करिएगा और यदि इंग्लिश में आती है तो ठीक है, अदरवाइज हिंदी में इसको छोटा सा एक वीडियो बनाकर ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं. ओके, थैंक्स.